दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है, नेपाल में जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा भारत। नेपाल ने जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ 130 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह परियोजना पूर्वी नेपाल में विकसित की जाएगी, जिसकी कुल क्षमता 679 मेगावाट होगी। भारत द्वारा नेपाल में विकसित की जाने वाली यह दूसरी बड़ी परियोजना है। निवेश बोर्ड नेपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2017 के लागत अनुमानों के आधार पर सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना पूर्वी नेपाल में शंखुवासभा और भोजपुर जिलों के बीच स्थित है। पिछली परियोजना के अंतर्गत कुल 900 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र को विकसित किया गया था। दोनों ही परियोजनाओं का संबंध पूर्वी नेपाल के शंखुवासभा जिले में प्रवाहित अरुण नदी से है। इस परियोजना का निर्माण बूट यानी बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। इस मॉडल के अंतर्गत परियोजना विकसित करने वाली कंपनी ही कुछ वर्ष तक इसका स्वामित्व और संचालन संभालती है तथा निर्धारित अवधि के बाद इसे उसके असली मालिक को सौंप देती है। सतलज जल विद्युत निगम इस परियोजना को 4 वर्ष के भीतर पूरा करेगा और बूट मॉडल के तहत 25 वर्ष तक इसका संचालन करेगा।